मैडम, औरतों के अंदर बार्थोलिन ग्रंथियां होती हैं क्या? हाँ, होती हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बार्थोलिन ग्रंथियां का काम क्या है और ये क्या काम करती हैं, ये होती कैसी हैं? अमित, ये ग्रंथियां गोल गोल या अंडाकार भी होती हैं और इनकी संख्या दो होती है। ये योनि के पास, योनि के द्वार पर रहती है। सेक्स के दौरान जब उत्तेजना बढ़ जाती है तो इनमें से गंध युक्त पीले रंग का एक रिसाव होता है जो योनि तल में जाकर उसे चिकनाहट देता है, जिससे योनि में लिंग को जाने में आसानी रहती है, वो आसानी से प्रवेश कर जाता है। डॉक्टर, इस चिकनाहट की वजह से औरत को तकलीफ तो नहीं होती होगी ना? अब इसमें थोड़ी बहुत तकलीफ तो होना भी जरूरी है ना? अच्छा डॉक्टर, औरत के गर्भाशय के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। अमित, गर्भाशय डिंब ग्रंथियों के बाद औरतों का एक प्रमुख अंग भी है। इसकी अंतर्गर्भाशय कला औरत के जीवन में प्रमुख भूमिका निभाती है। और हाँ अमित, इसमें इरिस्ट्रोजेन और प्रोस्टीजेरोन नामक हार्मोन्स की मदद से हर महीने अलग अलग विकास होते रहते हैं। ये बात है। और हाँ अमित, इसमें बड़ी मात्रा में ब्लड इकट्ठा हो जाता है। और हाँ, ये आने वाले बच्चे के लिए नर्म बिस्तर का काम करता है। अगर इस बिस्तर पर निषेचित डिंप नहीं लेटा तो प्रकृति अंतर्गर्भाशय कला रूपी बिस्तर को उठा देती है और ये बिस्तर आर्तव के रूप में बहकर बाहर निकल जाता है और फिर नए आने वाले मेहमान की तैयारी में नवीन सैया यानी बिस्तर की तैयारी करने लगता है। और ये काम तब तक चलता रहता है जब तक डिंप अपनी सैया ग्रहण नहीं कर लेता। ये हर महीने सैया यानी बिस्तर बिछाने का कार्य प्रकृति अपने नए मेहमान के लिए करती है और ये मेहमान अपने सैया रूपी बिस्तर पर 9 महीने विश्राम करने के बाद ही बाहर निकलता है। और हाँ अमित, इस नए मेहमान को बाहर निकालने का काम गर्भाशय की मजबूत मांसपेशियां ही करती हैं। जी डॉक्टर। और अमित, उसमें 9 महीने बाद संकोच उत्पन्न हो जाते हैं और अमित, गर्भाशय में फिर नए मेहमान की उम्मीद में सैया पर बिस्तर बिछना शुरू हो जाता है। और अमित, ये 14 साल से लेकर 40-50 साल तक की उम्र तक चलता रहता है। इस प्रकार सारांश में, निषेचित डिंब को आश्रय देना, उसका पूर्ण शिशु का रूप मिलने तक ग्रहण के रहना और 9 महीने बाद अपनी मजबूत मांसपेशियों के जरिए बाहर निकाल देना ही गर्भाशय का मुख्य काम होता है। थैंक यू सो मच मैम।